हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं राजस्थान पीटीटी काउंसलिंग 2022 के बारे में, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट को लेकर है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने टैग टाइटल एंड थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि पीटीटी की काउंसलिंग 2 तारीख से शुरू होने वाली है। यहाँ पर 2 जुलाई की जगह दोस्तों 2 अगस्त है। तो दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सबसे पहले विद्यार्थी, ये गलती मत करना। कई विद्यार्थी ऐसे जो कॉमन सी गलती करने वाले हैं, तो उनके लिए चेतावनी है कि आप ये गलती मत करना। इसके साथ ही काउंसलिंग का टोटली शेड्यूल बताऊंगा। साथ ही साथ विद्यार्थियों का एक कॉमन सा कमेंट आ रहा है कि सर मेरे कितने नंबर है तो मैं काउंसलिंग करवाऊं। तो दोस्तों, अगर आपके 250 नंबर है तो आप काउंसलिंग करवा दीजिए, आपका सिलेक्शन होना 100% है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, काउंसलिंग हो गई सपोज करो तो आपको कॉलेज कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, काउंसलिंग के बाद आपको जारी होगी लिस्ट टोटली आपकी 4 लिस्ट जारी होगा। मैं सबसे पहले 2 ईयर की बात कर लेता हूँ, उसके बाद में 4 ईयर वालों की भी बात करूँगा। गाइज, मैं 2 ईयर वालों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके कितने भी नंबर आ रहे हैं तो आप करवाओ, क्योंकि हर साल विभाग सीटें बढ़ाता है। इस बार भी कुछ करीबन 300-400 सीटें और बढ़ी है, यानी विद्यार्थियों को तो मौका ज़रूर मिलेगा। बीएड करना चाहते हो, शिक्षक बनना चाहते हो, तो दोस्तों एकमात्र यही है बीएड या बीएचटीसी, जिसके द्वारा आप अपने शिक्षक बनने का सपना है वो साकार कर सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत आगे की बातें कर लेते हैं कि सर आप शिक्षक बन गए तो उसके बाद में आपको क्या कुछ करना है। साथ ही साथ दोस्तों, 250 का भी सिलेक्शन हो सकता है अगर आप लोग, मैं जिस हिसाब से बताऊं उस हिसाब से प्रिपरेशन करो। तो अब आपको प्रिपरेशन कैसे क्या करनी है वो भी आपको यहीं पे बता दूंगा। कट ऑफ को लेकर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, जनरल की कट ऑफ की बात करूं तो 300 का क्राइटेरिया मैं रखता हूं। 300 वाला का आराम से खेलते खेलते सिलेक्शन हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओबीसी की बात कर लेता हूँ तो दोस्तों, ओबीसी का 250 के करीबन सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि 250 का सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपके 250, 252, 260 तक आप क्राइटेरिया क्रॉस करते हो तो बेझिझक होकर काउंसलिंग करवा देना। सीटें बहुत लंबी चौड़ी पड़ी है, गवर्नमेंट आपको बीएड करवाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।